हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पुष्कर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज यहां का मौसम बहुत सुंदर हो रहा है। फिलहाल हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं और थोड़ा सा लंबा रहेगा, यानी कि हमारे घर से 80 किलोमीटर दूर जागेश्वर धाम जा रहे हैं। महादेव का एक अनोखा स्थान है। यहाँ से अल्मोड़ा जाएंगे, अल्मोड़ा से चितई, चितई से दनिया वाली रोड में जाते हुए पहले हम जागेश्वर जाएंगे, फिर जाएंगे हम झांकर सहदेवता। तो हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं बाइक से, और बाइक आ चुकी है। डब्बू बाय बाय डब्बू। रास्ता है ये फिलहाल पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं, हाईवे में, और यहाँ पे रोड का निर्माण कार्य जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। अभी यहाँ पे इतना सारा कीचड़ हो रहा है कि स्लाइड में थोड़ा स्लिप होने का डर है, तो हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। बट पीछे से रोड ना फोर लाइन हाईवे बन रहे हैं, जिसकी वजह से रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर थोड़ा भी ये काम इधर तक पहुँचा नहीं है, कहीं इन्होंने बीच बीच में ना पुलिया का काम शुरू कर दिया है, जैसे ये देख लीजिए मेरे पीछे से। तो थोड़ी थोड़ी जगह पे पुलिया का भी काम शुरू कर दिया, और ये पीछे से चलता हुआ चल रही है। गाइस, फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा, और ये अल्मोड़ा का है सिटी मॉल। तो यहाँ पे अब तो बहुत सारे मॉल्स वगैरह सभी खुल गए हैं। फिलहाल हम मार्केट में अभी एंट्री कर रहे हैं। हम जाएंगे एक्चुअली बीन मार्केट से होते हुए, जो अगर आप फोर व्हीलर में, तो फोर व्हीलर में आपको बाईपास जाना होगा जो पीछे रास्ता जा रहा था, और अगर आप टू व्हीलर में तो आप मार्केट से होते हुए 6-7 किलोमीटर का जो शॉर्ट होता है वो शॉर्ट रास्ता ले सकते हैं। अल्मोड़ा में जो सबसे फेमस मिठाई है वो है बाल मिठाई, और यहाँ के पत्थर भी बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, जिनको हमारे यहाँ पत्थर बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत फेमस है, खासकर बाल मिठाई तो बहुत ज़्यादा। ये अल्मोड़ा का विश्वविद्यालय है, ये सारा नीचे पूरा कॉलेज एरिया है पूरी, जब यहाँ से ऊपर पाओ, ये जो ऊपर वाला रास्ता जा रहा है ये जाएगा सीधे आपका ऊपर एनटीटी में मिलेगा ये रास्ता, बाईपास वाले में। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये आकाशवाणी केंद्र है अल्मोड़ा का, मतलब अगर देखा जाए तो दूरभाषा केंद्र जिसको बोलते हैं। सो गाइस, फिलहाल हम लोग अल्मोड़ा से थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं, और अल्मोड़ा से 5 किलोमीटर आगे निकलने पर आपकी मुलाकात होगी डाना गोलजू देवता से, जो गोलजू देवता ही होते हैं, जो वो अलग अलग जगहों पर गए, जहाँ जहाँ वो जागेश्वर धाम जा रहे हैं, उसके बाद सहमजू जाएंगे, और उसके बाद वापस आकर के गोलजू देवता के दर्शन आपको रिटर्न। गाइस, ये जो जगह आने वाली है ना, ये मेरी फेवरेट जगह है इस रास्ते में, ये सबसे अच्छी जगह लगती है मुझे यहाँ पर। अभी फिलहाल बरसात का समय है, तो यहाँ से पानी आता था पहले, लेकिन अब नहीं आता है क्योंकि बरसात ही नहीं हुई है, तो पानी कहाँ से आएगा भाई। लेकिन फिलहाल ये जगह मेरी सबसे फेवरेट जगह में से एक है। फिलहाल लॉकडाउन ने ना बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है, तो सब लोग। सो गाइस, तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम के खूबसूरत सी जगह पे, जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महादेव का यहाँ पे वास करता है। खूबसूरत
घने जंगल के बीच में पूरा देवदार का जंगल है और यहाँ पे देवदार और ठंडी, इतनी ठंडी हवा चल रही है, मतलब इतना ठंडा हो रहा है यहाँ पे, क्या ही बताऊँ। अभी पीछे बहुत सारे चेक पोस्ट लगे हुए हैं तो बड़ी गाड़ियों को नहीं आने दे रहे हैं पुलिस वाले, कुछ गाड़ियाँ आगे गई होंगी बेसिकली, और जो बाकी है वो सारी पीछे रोक दी उन्होंने। अब वहाँ से जो लोग भी आएंगे वो पैदल आएंगे और हम बाइक वाले सिर्फ अलाउ रहते हैं क्योंकि बाइक निकल ही जाती है, तो अब हम लोग बाइक से सीधे मंदिर पर ही जा करके मिलते हैं आपको। देवदार के घने जंगलों के बीच में महादेव का एक जो वास है, ये कुबेर जी का मंदिर है, यहाँ पे कुबेर जी वास करते हैं। हम लोग यहाँ पे गए भी थे लास्ट टाइम, पर चौंक लग गई थी हमारे पैर में, तो ये बहुत सुंदर है। सो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम पे। अभी मैं मंदिर से थोड़ा सा पीछे की तरफ आया हुआ हूँ जहाँ से हम लोग पानी लेके जाते हैं, तो यहाँ से शिव जी पर चढ़ाने के लिए पानी लेके चलते हैं पहले, सबसे पहले काम, फिर देखते हैं आगे का। जागेश्वर धाम में ना सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपने अपनी शिवार्चन पूजा करने के लिए, जो लोग भी जो पहली बार उठा रहे हैं या कई लोग यहीं आते होंगे हर बारी, तो अलग अलग जगह पर बैठ करके अपनी शिवार्चन पूजा कर रहे हैं। और फिलहाल ये मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो 310 ईसा पूर्व से 510 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है, और ये सारे मंदिरों का निर्माण जो हुआ है यहाँ पर सीमेंट और लकड़ी से नहीं बल्कि पत्थर की शिलाओं से हुआ है। और ये जो ऊपर है ये छत है, ये देवदार की लकड़ी है, और ये देवदार के पौधे भी कत्यूरी राजा ने ही लगाए थे तो सबसे पहले, और ये कम से कम देख लो अब ये उसी टाइम से हुआ है जो 310 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में। ये पेड़ इसके साक्षी हैं, ये पेड़ की गोलाई और लंबाई आप देख रहे हैं। यहाँ पे कई सारे ऐसे पौधे हैं, बहुत खतरनाक, मतलब बहुत एक अद्भुत दृश्य है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है केदारेश्वर महादेव, जागेश्वर महादेव, ये जागेश्वर धाम है। जागेश्वर धाम में लोग यहाँ पर आते हैं अपनी पूजा करने के लिए, यानी कि शिवार्चन पूजा करने के लिए, और यहाँ पर कम से कम 250 मंदिर हैं, पूरे 250 मंदिर, और साथ में टोटल जो है यहाँ पर अल्मोड़ा ज़िले में 400 मंदिर हैं, बट जागेश्वर माँ के लिए 250 मंदिर हैं, यानी कि और 108 मंदिर, तो 108 लिंग तो यहीं पर हैं शिव जी के, छोटे बड़े मंदिर लगा करके ये महादेव। अभी 10 बज रहे हैं, हमें घर से यहाँ आने में 2 घंटा लगा था और फिलहाल यहाँ पर पहुँचने के बाद 1 घंटा भोग लगा था शिव जी को, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। फिलहाल हम लोगों की पूजा हो चुकी है। तो गाइस, मंदिर का निर्माण जो है बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है, इसमें कोई सीमेंट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया गया, और सारे पत्थरों में अलग ही कारीगरी की गई हुई है। और मंदिर के टॉप पे ना बड़ी बड़ी शिलाएं रखी गई हैं, बहुत बड़ी शिलाएं, और तांबे के चादर से ढका हुआ है ये, और देवदार के और सारी ये देवदार की लकड़ी है। और फिलहाल मंदिर में आप जब भी कहीं भी मंदिर जाते हो और वहाँ अगर बारिश होती है तो आपका आना यहाँ पर शुभ होता है, तो फिलहाल यहाँ पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। भाई साहब लाइन पर लगे हुए, तो मैं भी उस तरफ से जाके लाइन पर लगता हूँ। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं श्री श्री हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं ध्यानि ॐ ऐसी मान्यता है कि जब पहले जागेश्वर धाम मंदिर बना था तो लोग यहाँ पर सारी मन्नतें मांगते थे तो पूरी हो जाती थी, सारी जिसके लिए अच्छा मांगते थे या बुरा मांगते थे सब पूरी होती थी। फिर इसका लोगों ने दुरुपयोग करना शुरू करा, फिर जाकर के आदिगुरु शंकराचार्य जी यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर साधना वगैरह करी, तो उसके बाद से यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है जो किसी के लिए गलत मांगेगा तो वो कभी पूरी नहीं होती है।
और किसी की शुभकामनाएं मांगता है तो वही इच्छाएं पूरी होती हैं। अब यहाँ पर जय भोले बाबा। तो यहाँ पर 108 ज्योतिर्लिंग है महादेव के, छोटे बड़े मंदिर और द्वारपाल, सारी मूर्तियां पत्थरों से बनाई गई हैं और सब यहाँ पर पूरी तरीके से देखो कितना बढ़िया डिजाइन बनाया गया है। अब हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, फिर हमें आगे आगे को भी जाना है। पुराने कथाएं हैं भाई। जय हो। मंदिर से बाहर निकलते ही देखो यहाँ पर गोले आ गए हैं, पूरा ट्रक लद के आ रहा है भंडार में। और यहाँ पर दुकानें बहुत अच्छे से सजी हुई हैं सारी चारों तरफ। अब हम दोनों निकल चुके हैं अपने अगले सफर के लिए। सुबह सुबह का समय है तो इसलिए अभी इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं हो रही है, अभी थोड़ा बहुत ही है, मतलब सही हो रहा है, फिर भी दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे जागेश्वर मंदिर के पास में सामने फील्ड पर हो रहा है प्रसाद वितरण, तो जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर प्रसाद भी ले सकते हैं। और जिनका पास नहीं है, जिन्होंने और मंदिर के दर्शन नहीं कर रहे हैं या नहीं करने हैं आगे, तो फिर वो तो अपनी इच्छा के अनुसार ही करेंगे। चलो तो अब हम चल गए हैं आगे, अब हम सीधे जाएंगे झांकर सैमजू देवता के मंदिर। यहाँ पे फिलहाल व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर रखी है क्योंकि हर जगह पे पुलिस वाले हैं, चेक पोस्ट है, तो भसड़ नहीं होगी, काफ़ी इजीली दर्शन हो रहे हैं। आज मंगलवार है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तो सोमवार के दिन खासकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो फिलहाल यहाँ पर ठंड सी हो रही है, मज़ा आ गया बाइक सच। अभी श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है, ये आ ही रहे हैं काफ़ी सारे लोग। फिलहाल भाई साहब ने बुलेट उड़ा दी और हम सो गाइस जागेश्वर से 5 किलोमीटर दूर अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं झांकर सैम मंदिर पे। ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये मंदिर है झांकर सैम मंदिर,